सब्सक्राइब कीजिए इजी ट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही स्टिचिंग से रिलेटेड न्यू वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्यूब। आज के इस वीडियो में मैं आपको कान्हा जी का जो छोटा सा रूप होता है लड्डू गोपाल, उनकी ड्रेस बनाना बताने वाली हूँ। मैं यहाँ पर आपको जो छोटा साइज़ होता है लड्डू गोपाल जी का, दो नंबर का, उनकी ड्रेस बनाना बताने वाली हूँ। यदि आपको बड़े लड्डू गोपाल की ड्रेस बनानी है तो मैं उनका जो साइज़ है, नाप है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं और आप फिर बड़ी ड्रेस बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल बटन आएगा उसे भी प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे आपको जो लड्डू गोपाल जी का छोटा साइज़ होता है, दो नंबर, उनका ड्रेस बनाना बताने वाली हूँ। तो उनके लिए जो मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, इसकी जो ये लंबाई है, ये मैंने ली हुई है 16 इंच, और जो इसकी ये चौड़ाई है, ये मैंने यहाँ पर 2.25 इंच ली हुई है। ध्यान से सुने फ्रेंड्स, लंबाई मैंने 16 इंच ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.25 इंच ली है। उस नाप का मैंने कपड़ा काटा है और उसी नाप का मैंने ये नीचे अस्तर को कट कर लिया है। और ऊपर जो उनकी हमें चोली बनानी है, ये तो घेर के लिए था, और जो मैं चोली बनानी है उसके लिए, चोली के लिए मैंने ये दो स्ट्रिप्स ली हैं, ये मैंने लंबाई में 3 इंच की ली हुई हैं दोनों, और जो चौड़ाई है ये लगभग मैंने 1.25 इंच रखी हुई है। और इसका मैंने ये अस्तर काट लिया है इस तरीके से। यदि आप इसमें अस्तर ना लगाना चाहें तो इसमें से अस्तर आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, हमारा जो ये ड्रेस लड्डू गोपाल का जो घेर है, इसको हम सिलकर तैयार कर लेंगे। तो इसको सिलने के लिए हमें क्या करना है, जो सीधा कपड़ा है उसके ऊपर हमें इस तरीके से अस्तर को रखना है इस तरीके से, और 3 जगह सिलाई लगानी है। ऊपर हम छोड़ देंगे, यहाँ से ऐसे लगाते हुए हम इस तरीके से यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर से हमने इसको ओपन रखा था, इसको इस तरीके से पलट देंगे। लेकिन पलटने से पहले हमें क्या करना है, जो कॉर्नर है वहाँ पे थोड़ा सा कट्स लगा दें ताकि ये इजीली पलट जाए। तो आप इसमें हल्के से हल्के कट्स लगा दीजिए। ध्यान रहे कि सिलाई ना, जो आपने सिलाई की है वो कटे ना, बस दूर दूर से आपको इसमें कट्स लगाने हैं, और फिर आपको इसको इस तरीके से पलट दीजिए। और पलटने के बाद हम दोबारा, जैसे हमने 3 जगह सिलाई लगाई थी वैसे ही हम किनार से फिर सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारा एक जगह सेट हो जाए। ये देखिए, हमने इस तरीके से ऊपर से भी सिलाई लगा के इसे सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है, जो ये बाहर एक्स्ट्रा अस्तर निकला है इसे कट करना है। इसके पहले मैं यहाँ पर एक कच्ची सी सिलाई लगा लूँगी ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो पूरा बाहर आ जाए और इजीली कट जाए। गाइज़, यहाँ पे मेरा जो कपड़ा है ये बहुत ज़्यादा वर्क वाला है, इसलिए मैं यहाँ इसमें लेस का यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि इसमें लेस नहीं दिखेगी। लेकिन यदि आप कोई प्लेन कपड़े पर या कम वर्क वाले कपड़े पर ड्रेस तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें कॉर्नर पर सिलाई लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं। लेस से इस ड्रेस का लुक और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरा कपड़ा वर्क वाला है इसलिए इसमें मैं लेस का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा दें ताकि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है बाहर निकल आए। ये हमने इसको इस तरीके से कट कर दिया है। अब हमें इस पर प्लेट डालनी है, लेकिन प्लेट डालने से पहले हम ऊपर की चोली तैयार करेंगे। जितनी साइज़ की हमारी चोली तैयार होगी, हम इसमें उतनी ही प्लेट डाल के घेर को तैयार करेंगे। इसलिए मैं अभी इसको साइड में रख देती हूँ, और पहले मैं इस तरीके से इन दोनों स्ट्रिप्स को ले लेती हूँ चोली बनाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसमें अस्तर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अस्तर लगाने से और भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा, और ये ड्रेस बहुत छोटी है, तो मैं इसमें अस्तर मैंने निकाला था पर मैं इस अस्तर का यूज़ नहीं कर रही, मैं इसको डायरेक्ट ही सिल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से इसको कॉर्नर से हल्का सा मोड़ना है और सिलाई लगा लेनी है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड से आपको इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा मोड़ना है और सिलाई लगा के इसको इस तरीके से तैयार करना है। ये दोनों हमारी स्ट्रिप तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों स्ट्रिप्स को इस तरीके से फोल्ड करना है। आप इसको ऐसा सीधा वाला भाग अंदर रख के इस तरीके से फोल्ड कीजिए, और एक कॉर्नर पर यहाँ से मैं इस लंबाई का आधा जो
हिस्सा है उसे मैं किनार से बिल्कुल पैक कर दूंगी, जोड़ दूंगी। आधा हिस्सा, आधा ऊपर का खुला रहना चाहिए, नीचे का, नीचे से लेकर जो आधा आधी लंबाई है वहाँ तक मैं इसे पैक कर दूंगी। दूसरी वाली साइड में मैं ऐसे ही करूंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप इस वाली स्ट्रिप में इस साइड आधा पैक कर रहे हैं तो इस वाली स्ट्रिप में आप उस साइड का आधा पैक करें, है ना। तो चलिए हम इन्हें पैक कर देते हैं। ये दोनों हमारी पैक हो चुकी हैं गाइस, हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इन्हें आधा आधा पैक कर दिया, बस एक उंगली जाने लायक इसमें जगह खाली है। अब दोनों हिस्सों को जो हमने ये सीधा किया है, अब हम इनको क्या करेंगे, ये देखिए ये कुछ हमारी इस तरीके से ऊपर आएंगी, इसमें बहुत ज़्यादा रेसे निकल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमारी इस तरीके से सामने आने वाली हैं, तो हम इनको ना पहले इस तरीके से आपस में रखेंगे। ये जो खुला वाला भाग है वहाँ से इन दोनों को आपस में इस तरीके से रखते हुए, जिस तरीके से हमने वहाँ लंबाई में आधा पैक किया था उसी तरीके से हम इन दोनों को आपस में रखेंगे और आधा जोड़ देंगे। ये देखिए ये इस तरीके से जुड़ चुका है, ये हमारी इस तरीके से चोली बन के तैयार है। ये हमारी इस तरीके से चोली बन के तैयार है। ये हमारे दोनों हाथ के लिए यहाँ पे जगह खाली है, ये इस तरफ और ये इस तरफ। अब हमारे जो यहाँ पे जो लंबाई बच रही नीचे, हमें घेर को केवल इतना ही तैयार करना है। तो अब हम घेर की ओर चलेंगे। तो घेर तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने लंबे कपड़े को एक सा करके रखा हुआ है, यहाँ हमें बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट देनी है, बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल सटा सटा के, बिल्कुल इस तरीके से बाजू से सटा सटा के इसमें प्लेट दें। और प्लेट इतनी दें कि जो हमारा ये इतना लंबा कपड़ा है 16 इंच, वो पूरा इतना बचे। तो चलिए हम प्लेट देना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने प्लेट डाल ली है। अब मैं थोड़ा सा इसमें इसको जोड़ के देखूँगी। जैसे मैंने इसको यहाँ से जोड़ना स्टार्ट किया तो ये यहाँ पर आ रहा है। अभी भी मेरा इतना कपड़ा जो है, मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, तो मैं थोड़ी सी और प्लेट दूंगी ताकि ये थोड़ा सा और इसके साइज़ का हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने अब प्लेट और डाल ली है। अब इसको इस तरीके से हम जब देखेंगे, दोनों सीधा, जी वाला सीधा पोर्शन, ये वाला सीधा पोर्शन, इस तरीके से हमें इस पर रखना है और इस तरीके से हमें इसको मेज़र करना है। तो ये देखिए पूरा यहाँ तक आ रहा है फैब्रिक। तो मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख के और किनार से एक सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी कान्हा जी की ड्रेस बन के रेडी है। आप चाहें तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं, मैंने इसमें लेस नहीं लगाई क्योंकि मेरा ये बहुत ज़्यादा वर्क वाला कपड़ा था। और आप जब बड़ी ड्रेस बनाएं फ्रेंड्स, तो एक बात का ध्यान रखें, आप नीचे बकरम ज़रूर लगाएं। बकरम से क्या होता है, ये ड्रेस बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है नीचे से, और कड़क होने के कारण बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी प्लेट देखिए एकदम खेल कर बड़ी बड़ी ड्रेस लगती है। तो आप नीचे बकरम का यूज़ ज़रूर करें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे उससे एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद आ रही है, आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं, तो मैं उस टाइप्स की वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर लाऊंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।